साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया आइडिया देना चाहता हूँ। वो देखिएगा, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। क्या हुआ था, शायद इस साइड पे जो है स्टेयरकेस के लिए ना, ये जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस आ रहा था। तो पेंट हाउस मतलब 1 BHK पोर्शन आ रहा है इस तरह से, तो पोर्शन आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इसको ये एक ही पिलर है, ओवर हैंगिंग बीम पे जो है वो ये बीम जो है ओवर हैंग हो रहा और इधर जाकर रेस्ट हो रहा है, यहाँ पे इस पिलर पे रेस्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इधर स्टेयरकेस तो चाहिए। ओके, तो ये भी स्टेयरकेस जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी स्टेयरकेस ये सीढ़ी आ गया, इस तरह से पोर्शन है समझे, खुला है। और इधर से जो है एंट्रेंस था, सीढ़ी का जो रॉड है इस तरह से रखा गया यहाँ पर, ये पूरा ब्लॉक आ जाता है, इसके अंदर माल भरा जाएगा। और उन्होंने जिस दिन सेंटरिंग का काम था, देखो छत डालने के दिन, और रॉड्स जो है यहाँ से लिया गया, ये कंटिन्यू यहाँ से जाएगा। और मेन चीज़ क्या है, मतलब इधर सपोर्टिंग नहीं था, यहाँ पे ओवर हैंगिंग बीम पे है ये ओवर हैंगिंग बीम। अब एक ऑप्शन था, या तो आप लोग दीवार से बांध सकते हैं, ओके, एक तो दीवार लेके बांध सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है या फिर बीम, पूरा कंटिन्यू बीम लेना पड़ता है। सो कंटिन्यू बीम लेना बोले तो अब एक पिलर था सपोर्टिंग बोले तो, ये जितना भी वजन आता इस पिलर के ऊपर आता। अब बीम आप लोग नहीं लिए बोले तो वो एक दिक्कत हो, तो उसकी वजह से जो है एक ओवरहैंगिंग बीम लिया गया कंटिन्यू। और इस तरह से ये रॉड का डिटेल्स देखिए स्टेयरकेस के अंदर, ये लिया गया 12 mm का रॉड लिया गया, इसके अंदर कवरिंग भी दिया हुआ है एंड 6-6 इंच पे टप्पा आ जाता समझो, ये 6-6 इंच पे टप्पा, ये ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। ये ओवरहैंगिंग बीम है, सो ओवरहैंगिंग बीम को बीम का सपोर्ट लिया गया। बॉटम में जो है 16 mm का रॉड है, दो ये वाला देखिएगा, बॉटम में 16 mm का रॉड, ऊपर जो है 16 mm का, और बीच में जो है एक एक्स्ट्रा रॉड दिया गया। और ये पिलर के अंदर इस तरह से पूरा उसको तो ग्रिप मिलना नहीं, बीम जा रहा है सो ग्रिप भी मिलना पड़ता, सो इसको जो है थोड़ा बहुत कुछ ड्रिल किया गया था, ड्रिल करके लिया गया। और ये बीम जो है उस पार तक गया समझो, वहाँ तक गया एक्सटेंशन होके, वो पिलर के अंदर थोड़ा सा ड्रिल किया गया, ड्रिल करके घुसा के इस तरह से। तो ऐसा एक तरीके से जो है यहाँ पर लिया गया। मैं अभी फ़िलहाल ठहरा हूँ इसके अंदर, ओके पूरा काम हो चुका है। एक ऊपर एक नीचे ऐसा अल्टरनेट बार्स लिया गया। आप बता दीजिएगा दोस्तों ये कैसा लगा आपको, ये वाला एक तरीका एक उपाय, मानना पड़ेगा यार इस गुत्थेदार का दिमाग को, इस तरीके से जो है बनाया गया। और आप मुझे बता दीजिएगा कैसा लगा ये एक आइडिया, गुत्थेदार का आइडिया। और देखिएगा ये ड्रिलिंग किया गया यहाँ पे, लगभग कुछ तो नहीं बोले तो भी 3-4 इंच है समझो इसके अंदर, ये घुसाया गया 3-4 इंच तक ड्रिल करके, ये रॉड इसको सपोर्टिंग, इसको सपोर्टिंग, ये इसको नीचे, इसको सपोर्ट दिया गया तो ग्रिप पकड़ लेता समझो। दिमाग बोले तो ऐसा रहना यार, और ये ऐसा यहाँ पर बढ़िया किया गया। अभी इसका कवर अप हो जाता,
थैंक यू।